कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी अक्सर किसी न किसी वजह से ट्रोल करती रहती है। इस बार तो उन्हें पीएम मोदी की वजह से ट्रोल होना पड़ गया। राहुल गांधी चले तो थे पीएम मोदी का मजाक उड़ाने, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में विंड एनर्जी के मुद्दे पर डेनमार्क के पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए जहां नमी ज्यादा है वो हवा में से पानी सोख करके अगर साफ पेयजल बना सके तो वो एनर्जी का भी काम करेंगे और पीछे से पानी भी मिल पाएगा। पीएम मोदी की इसी बात पर खिंचाई करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि असली खतरा ये नहीं कि हमारे पीएम कुछ समझते नहीं, खतरा ये है कि उनके पास मौजूद किसी शख्स में उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त तंज मारा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जो राजा बाबू कुछ दिन पहले ट्रैक्टर पर सोफा लगवा कर किसान बने थे वो आज वैज्ञानिक भी बन गए हैं। कृपया उनके ज्ञान के ओवरफ्लो को स्वादानुसार नमक के साथ ग्रहण करें और आनंद लें। राहुल गांधी कुछ ही दिन पहले पंजाब में कांग्रेस की किसान बचाओ यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा में पहुंचे राहुल गांधी के लिए ट्रैक्टर पर सोफा लगवाया गया था, जिस पर बैठकर उन्होंने किसान बिल का विरोध किया। उनके सोफा वाले ट्रैक्टर पर ही सीएम शिवराज ने तंज मारा। इससे पहले शिवराज सिंह ने किसान के मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आलू जमीन के ऊपर होता है या नीचे। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे हैं, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो ये जो कृषि बिल आए हैं तीनों, इसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे? ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो? पूरे प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंचती। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया। 6,000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 रुपया कम कर दिए, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की, संबल योजना बंद कर दी, बेटा बेटियों का फीस भरवाना बंद, लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन देना बंद, विदेश भेज के जो पढ़ाई करवाते थे वो बंद, बहनों के लड्डू छीन लिए तुमने, जन्म के पहले जन्म के बाद जो पैसा देते थे 16,000 वो बंद, एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख बंद, सामान्य मृत्यु के 2 लाख बंद, अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो खा गए, बेटियों के कन्यादान के पैसे नहीं दिए। पिछले साल किसान की फसल खराब हुई, 5,000 करोड़ की राहत की राशि नहीं दी, कितने धोखे दिए, विकास के काम ठप्प कर दिए, पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया और अब कह रहे हो मुझसे क्या भूल हुई। बता दें राहुल गांधी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की बातचीत का जो वीडियो शेयर किया है, इसमें पीएम मोदी का कहना था कि टरबाइन से गांव की पेयजल की समस्या खत्म हो सकती है, इस बारे में थोड़ी साइंटिफिक समझ डेवलप करने की जरूरत है। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन है, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा,
तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है, यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with you both, your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your ideas. राहुल गांधी ने भले पीएम मोदी के इस बयान का मजाक बनाया हो, लेकिन हवा से विंड टरबाइन के जरिए पानी निकालने का विचार नया नहीं है। साल 2012 में फ्रांस की एक कंपनी ने हवा से विंड टरबाइन के जरिए पानी निकालने का दावा किया था। इस तकनीक से जिन गांव में पानी की समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। इसी तकनीक पर पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम से चर्चा की थी।